में बिल्कुल वहाँ से जीता जाता है, पता चल रहा है। जैसे पुलिस वो ले रही थी कि बयान ले रही थी गांव वालों को, ठीक है खुले जाओ गांव वालों की, जैसे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि गांव हाडवा में है इस समय, और एक मर्डर हुआ था परसों की रात, लेकिन पुलिस पर कार्रवाई ना करने का जो है आरोप यहां लगाया गया है। महिलाओं में देखिए कहीं ना कहीं काफी रोष है, और बताना चाहूंगा कि ये तस्वीरें इस टाइम गांव हाडवा से देख रहे हैं। एक मर्डर हुआ था परसों रात के वक्त, और जो बॉडी है वो पीजीआई भेज दी गई थी, लेकिन बॉडी को ये कहकर यहाँ भेज दिया गया कि ये काफ़ी जो है मतलब उस बीमारी का आप समझते होंगे कि नाम नहीं ले सकते, क्योंकि इस समय पूरा जो परिवार है वो कहीं सदमे में है, देखना चाहेंगे ये तस्वीरें। आसपास के सभी जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, तो इस तरीके से इस बॉडी के पास भी कोई नहीं लग सकता, ये जो डॉक्टरी की जो एक टीम है वो साथ आई है, और मैं फिर बताना चाहूँगा कि उस बीमारी का हम नाम नहीं ले सकते। लाइव तस्वीरें गांव हाडवा से इस समय आप देख रहे हैं, सभी जो ग्रामीण हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस पर कार्रवाई ना करने के आरोप लगातार यहाँ लगाए जा रहे हैं। परसों एक व्यक्ति की जो है ईंटों से मार मार कर जो बुरी तरीके से जो है हत्या कर दी जाती है, इस समय और भी मीडिया प्रभारी जो मौके पर आए हैं, तो इन तस्वीरों का ज्यादा वो व्यक्ति कहाँ है जो उनके साथी है अंदर, तो इस समय फिर बताना चाहूँगा कि पूरी जो एक टीम है वो साथ आई है कि जो बीमारी के नियमों को फॉलो करें। लेकिन अब किस तरीके से इस घटना को आप देखते हैं, ये काफ़ी भयभीत करने वाली तस्वीरें होंगी, और डेड बॉडी की मैं तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन परिवार के जो लोग हैं वो सभी यहाँ उपस्थित है। प्रशासन की पुलिस की भी एक गाड़ी यहाँ पहुँची थी, लेकिन डेड बॉडी को यहाँ उतार करके वो निकल गई। तो ये तस्वीरें और लाइव तस्वीरें इस समय गांव हाडवा की ये तस्वीरें हैं। वो जो उनके साथी थे उनके भाई है क्या अंदर है, देखो कहाँ है वो, इस टाइम आ सकते हैं यहाँ तक, नहीं बॉडी नहीं दिखा सकते, बॉडी नहीं दिखा सकते। तो इस समय ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरे गांव के जो लोग हैं, गांव हाडवा, जी हाँ गांव हाडवा जींद की तस्वीरें, क्या हुआ था किस तरीके से हुआ था वो नहीं दिखा सकते, बॉडी दिखा नहीं सकते, बस वो यही आएगा ना जब बात बनेगी। तो गांव हाडवा में एक मर्डर हुआ था परसों की, मजबूरी है, मैं बॉडी नहीं दिखा सकता भाई, बॉडी नहीं दिखा सकते। आप कौन है, क्या हुआ था, पूरी बात बताएंगे? पूरी बात कुछ नहीं जी, पड़ोसियों की आपस में लड़ाई हो रही थी, और मेरे घर वाला की दुकान है, वहाँ दुकान में बैठे था, मैं कह के आई जी मुख बाहर ना निकली है यही से है, तो नगर देख लाग जे न बोले मैंने किन वगैरह रोड़ा को नहीं लड़ाई, संजय सुभाष और खुले खुले जाओ संजय सुभाष और फिर उन्हें पिटे, फूल और फूल की बहू उनकी आपस में हो रही थी, वह पिटे जी लगा पहला दो फूल और फूल की बहू वहां तो छुटके बैठ गए, संजय की बहू चाण का कसिया का दुकान का पड़ गई, बोले संजय फोन ले आओ वीडियो बनाओगे सर्वर न फसावेंगे मार कैसे इसका सिर करेंगे, उन्होंने बोला मेरा क्या खोटा है, मैंने तो कुछ भी को नहीं करा, इतना मेर तो बाजी गई, सुभाष की बोले सिर माइंड मारी जी पहले, हाँ दुकान बंद कर लाया गया जी, वो अपना घर आया जी हुआ दुकान बंद करते करते ओड़े गिर लिया यू अंगबर का दुकान भी नहीं बंद करने दी, अंदेश सुभाष की वो कने एक बार थप्पड़ लेके गया यू, इसने मारा को नहीं भाई लुगाई है, सुभाष की बोले इसका सिर में इंट मारी, इंट लगते पड़ गया यू, उन लोगों ने क्या क्या थी यार अपराए फिर लाठी ईंट गंडासी लठ उन्हें तैयारी पैदे जी, हमने कोई बेरा कौन था, उन्हें पहले स्कीम करा के दी, फिर जी मैं एक बार उठ लिया उठते संजय ने सर तीन सिर में मारी थी, मौके पे मौत हो गई थी उसके, उसने फिर उसके बाल कह गए जी जोगी, एक मोनू है एक अजय, उन्हें तो लेगा डंडे, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी, डंडे लेगा जी उस डंडे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एक बंदा गिरफ्तार कर रखे है, दस जने जी मारने वाले, मेरा भी मैं रखे जी, मेरा देवर की टांग तोड़ रखी, मेरा यू लड़का जी 15 साल का, इसका डंडा मैं रखा डंडे गोटे पर, क्या नाम है, आप मौके पर थे, क्या मारा आपके पापा, डंडा मारा और ईंट मारी, तो खून ज्यादा बहा होगा, खून ज्यादा
मुद्दे मुंह पड़े थे मैं बड़े बड़े का तुमसे अंदर है उड़े उड़े करे हां इसका भाई जी बड़ी गैर जी में सो का उड़े छोट मारी है ये देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो है ईंट और डंडे उन्होंने उनको मारने में इस्तेमाल किए जी माने जी लड़ाई हम दे पुलिस में फोन कर दिया था मारपीट कोई कौन थी कोई पुलिस को नहीं आई जी एक घंटा पड़े रहे एम्बुलेंस भी पुलिस भी हम सारे बेहोश हो रहे फिर पुलिस आई है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी सारे ठीक है जी एक गिरफ्तार कर रखे बस ये लड़का उसकी लड़की है अरे ये दीपिका दो दो लड़कियां देखिए कितनी दर्दनाक आप थोड़ा थोड़ा प्लीज खुले हो जाओ देखिए कितनी दर्दनाक बात है कि एक लड़का है और तीन ये बेटियां हैं लेकिन उस व्यक्ति को बिल्कुल ईंटों के साथ और डंडों के साथ किस तरीके से किस बहरहमी के लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई यहां नहीं की इन बेटियों को अब कौन पालेगा इनका जिम्मेवार कौन होगा ये देखना होगा उनके भाई है ये आप मौके पे थे क्या बातचीत हुई क्या हुआ था कोई बातचीत नहीं जी हम तो जी मड़िया मड़ ले लिया दुकान बंद करा था हम तो दोनों जने पूरा इरादा था आपका पूरा इरादा था जी मारा जी पूरा इरादा था जी मारने का क्या करती है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी कार्रवाई नहीं जी अरे बार पुलिस आई कोई कार्रवाई नहीं जी आप गए थे आप लोग गए थे पुलिस के पास हां जी गए थे जी फोन भी करे थे जी आए नहीं जी कोई नहीं अंदर जी उनका कारण ये है दो दिन में चार दिन में पांच दिन में उनको अरेस्ट कर क्या क्या आपने जी इंसाफ चाहिए जी आपने इफ्टी को अरेस्ट नहीं हो रहा सारे टेस्ट करवा रखे कोरोना के टिक्के मेरे पास सुनो कर लेंगे इसका नाम ना लो इसमें समस्या हो जाती है वीडियो उड़ जाती है वो लग गया हमारे को पता वो दोनों इंजेक्शन उन्होंने लगवा रखे है ठीक है वो लग गया पता हाँ लग गया तो अभी देखिए किस तरीके से किस बेरहमी के साथ क्या नाम था उनका नाम क्या था सरवर कुमार लगभग उम्र कितनी थी उम्र 45 साल थी अच्छा दुकान का काम करते थे दुकान का काम करते थे किराना की दुकान है किराना की दुकान है डिपो भी ले रहे थे अच्छा सरकारी चीनी तेल का डिपो भी था अच्छा ये तो एक इरादरन हत्या है पहले भी कोई ऐसा झगड़ा हुआ था बहुत दिन तक करे थे जी अच्छा बहुत दिन तक ना बोले यूए मारा तो यूए इसे गलत दुश्मन है इसलिए मारेंगे कई बार पहले पुलिस में फोन करके जी पहले था पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया उनको क्या ये दूसरे लोग ज्यादा मतलब हैवी है क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी कोई कार्रवाई नहीं है कल की अब तक कोई भी आई नहीं है जी पुलिस यहां अच्छा पुलिस वाले नहीं आए नहीं आए जी कोई कार्रवाई नहीं है जी यहां आप अपने मां हां जी ये मेरी मां है परसों जैसे हादसा हुआ तो कोई पुलिस वाला नहीं देखने गया ना जी कोई नहीं आया और तड़की जो सीनामी ईंट मार रखी है नी जी वह तड़की जमा 5 बजे उठ कर गई तरह उसके गए 7 आदमी था जी और मैं मेरे बेटे के ऊपर पड़ गई मेरे बेटे मार दिए मैं लठ मारन तो नहीं आटे जी लठ मारन तो नहीं आटे मेरे 300 रे चोरी और 5 लगाई मारन वाले हाँ लड़की भी थी जी लड़की भी अभी है वो बच्चे भी थे सारे अब नहीं है जी रात नाम है रात नाम है जी रात नाम है सब 5 बजे 4 बजे चल दे आड़त है कोई कार्रवाई करे तो जी कर कार्रवाई नहीं हो रही जी उठा लो है पर कोई कार्रवाई नहीं है जी कोई भी कार्रवाई नहीं है हम के करा जी मारो धमकी दे रखी है जी घर उजड़ गया घर उजड़ गया रविदास मोहल्ले के ये लोग हैं और अपनी मांग को लेकर के पुलिस प्रशासन को बार बार ये ज्ञापन दे रहे हैं कि हमें जो है अपना इंसाफ मिले और ये उनके छोटे भाई उनके ये और देखिए किस तरीके दिखाना जरा एक बार देखिए इनको भी जो है लाठी डंडों के साथ कितनी बुरी हालत से जो है मेरा पास में भी लात ठोकन मार रखी जी मुर्दा पर भी मार रखी जी मेरा और 10 समय है जी एक गिरफ्तार हो रहा है संजय अजय विजय गोविंदा कृष्णा सुषमा आरती और सुनीता एक मोनू की पत्नी 10 जने है जी सिर्फ एक गिरफ्तार कर रखा है दिखान खतर कोई नहीं और गाए जी सारी गाए जी सारी सारे फरार है दोबारा कोई अभी यहाँ मौके पर नहीं है मैं तो देख रही हूँ देखिए कितना दुख का विषय मैं एक बार फिर आपको बताऊंगा कि तीन बेटियां हैं एक छोटी सी बेटी ये है एक बेटी ये है और एक बेटी ये है और ये है बेटा लेकिन बड़ा दुख का विषय कि इन बेटियों को अब कौन पालेगा हाँ माता
करता नु बोले जैसे ने मारा नु बोला और मार दिया ले लेके करे दी हाँ जैसे ने मारा और वो भी मारेंगे तेरा कुटी कुटी नेट कराने उसको भी मारेंगे इसका अंश निकालने देंगे अंश निकालने ये दम की दही है। हाँ जी बड़ा था नहीं जी ये लड़का उसका ये भाई है उसका। हाँ जी बस एक ही लड़का जी इसको भी मारेगा तो इसने इसने भी खत्म करेंगे इसने खत्म करेंगे हर ले ले बोला इसने भी मारेंगे इनकी तेरा दीवार का जमा चाहिए जमा सारे एक भी बचना चाहिए वो न्याय मिलना चाहिए उनको सजा मिलनी चाहिए उसके बाद ये भी सेपरेट के अभी अभी डेड बॉडी आपके पास आ गई तो क्या है डेड बॉडी दादी के लेकिन मन गुस्सा देवेंगे समाधान करके डेड बॉडी ठान जाएंगे नगर सड़े जाएंगे खतरा है जी डेड बॉडी इसका अंतिम संस्कार कर दिया तो हमने न्याय नहीं मिलता जी हमने खतरा है हमने गांव छोड़ना पड़ेगा फिर हमारा आदमी मर गया हमारे गांव छुटाएगा मैंने तो ऐसा चाहिए जी ये सारी उम्र गांव में नहीं आवे सजा हो इनकी तो किस तरीके से देखिए पुलिस पर कार्रवाई ना करने के आरोप यहाँ परिजनों द्वारा तो अभी जो है पुलिस को ये कहते हुए कि हम अपनी जो डेड बॉडी है उसको अभी दाह संस्कार नहीं करेंगे लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें और भी जो है साथी जुड़े हुए हैं और पूरा का पूरा जो मोहल्ला है वो यहाँ एकत्रित है आप थोड़े थोड़े खुले हो जाओ खुले हो जाओ बड़े बड़े ठीक हो गए छोड़ दो जगह छोड़ दो भाई जगह रहे गिरफ्तारी क्यों नहीं है क्यों आखिर कैसे इतना गिरफ्तारी से अलग बात ये है कि बीमारी बीमारी में ही मौत बता रहे हाँ बीमारी में मौत बता रहे वो तो सर एक प्रोपगंडा पता नहीं है कैसा क्यों फैला दिया कि बीमारी में बता के क्यों गुमराह किया जा रहा है हम लोगों को हमारे हमने सर अपना बंदा खोया है सर हमने अपना चाचा खोया है ठीक है हमारी जो हालत है आपको हम बयान नहीं कर सकते इन शब्दों से लेकिन अब आप बताइए हमें कि हम करें क्या कहां जाए हम कोई प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा बंदा हमारा घर से मर गया कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही तो हम क्या करें सर मारा तो भाई जा रहा हर पुलिस वाले नु कह रहे थे हम तो हमारे बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस वाले कल एसएचओ ने बात से बंद कही है जी ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं भाई तो मारा जा रहा जी हम कह नहीं सकते एक लेडीज ने एसएचओ पिल्लू खड़ा ने यहां कही है हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं हम कैसे कार्रवाई करें और कैसे कार्रवाई करें जी ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जी एसएचओ भी जी ऊपर से हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कोरोना के नाम पे बताओ कहाँ कोरोना है क्या कोरोना है अब बंदे पूरा फुली वैक्सीन लेके तो फिर बताना चाहूंगा कि ये लाइव तस्वीर है और किस तरीके से ये देख सकते हैं कि इस समय जो डेड बॉडी है वो घर पर आ चुकी है और फिर बताना चाहूंगा कि ये सभी जो लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि हमें अपना जो है न्याय चाहिए इन तस्वीरों को ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक ये आवाज़ पहुँचे और इन लोगों को हर प्रकार से जो है न्याय ज़रूर मिले। लाइव तस्वीरें गांव हाडवा से है और पूरा परिवार सगमे में है और उनको परिवार का ये कहना है कि हमें बहुत खतरा है उन लोगों से जिन्होंने उनके परिवार के सदस्य को मौत के घाट उतार दिया। इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा बने रहिएगा और लगातार फिर बताना चाहूँगा किस तरीके से अभी जो है पुलिस मौके पर पहुँचती है या नहीं। परसों की ये घटना बताई जा रही है और फिर बताना चाहूँगा कि परसों की घटना है और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है अभी इस तरीके से ये जो लोग हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप उस बीमारी का नाम मत ले यार ठीक है अब जाना क्या हम तो अब पीड़ित परिवार हैं अब ये जो अपना समाज जो है पुलिस नहीं आ रही पुलिस मौके पे पुलिस नहीं आ रही बिल्कुल तो ये कुछ बातचीत पुलिस का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे बंदा कोई आने की कोई बात